HTC here, back with another new one video, and this time it's Pune se lekar Satara tak ka version 1 ka pehla route 25 kilometers ka hai, 1 ghanta 5 ya 10 minute ka activity hai. To guys chaliye hum aaj ki video ki shuruaat karte hai. To description mein aapko all links provided hai, matlab mil hi jayenge aapko. Kam se kam GB ka size rahega 1.5 se 2 GB aur ye route lag free route hai, version 1 है ये. और बताता हूँ कि इसका डाउनलोड कैसे कर सकते हो, 4 GB, 5 GB और 6 GB रैम, मतलब 6 से ऊपर भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो. सबको डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी लिंक्स, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक. तो गाइस चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है अपना रूट. तो मीडिया फायर की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, उसको पेस्ट करने का इधर, उसके बाद सर्च कि आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 MB का रूट है. पॉप अप मैसेंजर करके डाउनलोड करने का, अभी मेरा हो रहा है, नेट स्लो है थोड़ा. तो गाइस मेरा हो चुका है डाउनलोड. तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको, उसका पासवर्ड बताता हूँ क्या है. सो गाइस आप इधर जैसे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी मैंने डाउनलोड कर लिया है और रूट को भी. तो गाइस पहली इंस्ट्रक्शन ये रहेंगी मेरी कि विदाउट परमिशन मेरा इस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये रूट किधर से किधर चलता है. तो पहली बात वो है कि आपको इस पर बिल्कुल भी आपको वर्क नहीं करने का है. कोई भी अगर एक्टिविटी बनाता है तो मुझे फिर उसके ऊपर ये करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. तो गाइस दोनों पे भी मैंने पासवर्ड लगा रखा है. तो गाइस आप ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, फल्टन रूट को एक्सटेंड जैसे ही करेंगे आप, तो पहले उसको रीनेम करने का है, क्योंकि रीनेम एंड कॉपी ऐसा ही मैंने ये किया है, उसको कॉपी करने का है. फल्टन रूट है ना, जिसको कॉपी करने का है, उसके बाद डन करने का, कैंसिल करने का, फिर फल्टन रूट पर एक्सटेंड हेयर करने का, पासवर्ड डालने का जो भी है, और उसके बाद ओके. फिर ही आपको ऐसा इंस्टॉल होगा. अभी मेरे में थोड़ा वर्क था. इसके बाद ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स बाय TGK, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे जो कि हमने अनाउंसमेंट ही की डाली अभी तक. हाँ, तो इसको भी वैसे ही करने का है, ऑब्जेक्ट्स बाय TGK. मैं आपको ऑब्जेक्ट्स इधर डाल के दिखाऊँगा, देख सकते हो आप. और गाइस मेरे रूट में अपडेट्स आने अभी चालू होने वाले हैं. अभी ये पहला रूट है, उसके बाद का जो भी रूट आएगा. हाँ, तो गाइस इसको ये करने का है, फिर इस रूट को आपको हैजेस में कन्वर्ट करने का. अभी मैं हैजेस रीनेम करूँगा, रीनेम ही करने का आपको भी. फिर मुझे बाद में कमेंट्स में आने चाहिए कि भाई आपने ये ऐसा कैसे. हाँ, मैंने ये रीनेम कर दिया 09 में. उसके बाद से मल्टी सेलेक्ट करूँगा मैं. उसके बाद कट डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डाटा. com.m3v गेम्स फाइल्स यूजर डाटा ओरिजिनल या लोकल मैप कहीं भी डाल सकते हो. तो मैं ओरिजिनल मैप्स को डाल के दिखाऊंगा. ओरिजिनल में मैंने ये पेस्ट कर दिया है. और गाइस ये रूट मतलब 1-1.5 घंटे का ही है. पहला वर्जन में मैंने बस इतना ही दिया है. उसके बाद का जो वर्जन आएगा फिर वो 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसा रहेगा. SSD डेट्स फाइल को डिलीट करने का है, डिलीट. तो अभी मिलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, स्कैनिंग इंस्टॉल कंटेंट आ रहा है, तब दिखाई रहा है. तो गाइस इस रूट की एक यही बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको ये रूट पहले समझ में नहीं आएगा कि किधर से किधर तक है. मैं आपको इसके ऊपर दो या तीन दिन में आई थिंक इसकी एक्टिविटी भी लॉन्च करूँगा, TDMU का.
पहले इसका जर्नी आएगा, फिर इसकी एक्टिविटी में लॉन्च करूँगा। तो गाइज अभी मैं स्नैपशॉट ही करूँगा, क्योंकि हमने आगे वर्क काम मतलब वर्क चालू कर दिया। तो गाइज ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।